हेलो गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रदीप दिस इज सिंह और आज हम अपनी जावा टूडा के प्लेलिस्ट में जानेंगे ऊप् के बारे में सो so, ऊपस के मेसली हमारे चार पिलर्स होते हैं इनहेरिटेंस इनकैसुलेशन एब्सट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म चलिए आइए हम अपने फर्स्ट पिलर के बारे में सबसे पहले जानते हैं जो कि है हमारा इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्या होता है इट इज अ मैकेनिज्म इन विच बाय वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर्स फीचर्स जैसे कि फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ द अनदर क्लास एक तरह का मैकेनिज्म होता है जावा में जिसकी हेल्प से हम लोग एक क्लास के फीचर्स हो जो होते हैं हमारे जैसे कि फील्ड्स एंड मेथड्स उनको इनहेरिट करते हैं दूसरी क्लास में इन जावा इनहेरिटेंस मींस क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग वंस जावा में इनहेरिटेंस का मतलब क्या है हम अपनी नई क्लास को क्रिएट कर रहे हैं मगर वो जो हमारी नई क्लास है वो अपनी प्रॉपर्टीज और फीचर्स जो है वो पुरानी क्लास के यूज कर रही है मतलब उसकी खुद की कुछ नई फंक्शनैलिटी तो है पुरानी क्लास के भी कुछ फीचर्स को यूज़ कर रही है सो so, चलिए आप जानते हैं यूज़ क्या है हमारे इनहेरिटेंस का सो so, बेसिकली जो दो मेन यूज़ है हमारे इनहेरिटेंस के वो तो है कोड रिजिलिटी हम इसकी हेल्प से अपना कोड जो कि एक ही बार लिखा हुआ है उसको बार बार री कर सकते हैं और दूसरा है मैथड ओवर राइडिंग मैथड ओवर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है बट इसी लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि मैथड ओवर का क्या कॉन्सेप्ट होता है हाउ टू यूज़ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं द एक्सटेंड की वर्ड इज़ यूज फॉर द इनहेरिटेंस इन जावा इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है एंड एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से हम लोग इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड इंडिकेट्स यू आर डिराइव्ड फ्रॉम आई एक्जिस्टिंग क्लास एक्सटेंड कीवर्ड का हेल्प से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्लास जो है अपनी इस एक्सटेंड के बाद जब हम जिस क्लास का नाम लिखेंगे इस क्लास के फीचर्स का भी इस्तेमाल कर रही है इन अदर वर्ड्स एक्सटेंड रिफर्स टू द इंक्रीज फंक्शनैलिटी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक्सटेंड का मतलब है इंक्रीज फंक्शनैलिटी सिंटेक्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने क्लास क्रिएट करी डिराइव्ड क्लास ये हमने एक नई क्लास क्रिएट करी एक्सटेंड का यूज करके एक्सटेंड कीवर्ड हमने यहाँ पे लगाया और हमने दूसरी क्लास का नाम लिख दिया जो कि ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है ये क्लास तो हम नई क्रिएट कर रहे हैं बट ये जो बेस क्लास है ये पहले से क्रिएटेड है एंड एक्सटेंड की का यूज करके हम जब उस क्लासेस को उस क्लास को भी यहाँ पे यूज करेंगे तो इस क्लास में भी जो फील्ड्स वेरिएबल्स मैथड्स होते हैं वो भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे तो इनहेरिटेंस हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम दूसरी क्लास के फीचर्स को भी अपनी इस क्लास में ये इस्तेमाल कर पाए तो ये जो हमारी बेस क्लास होती है इसे हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं और हमारी जो डिराइव क्लास होती है इसे हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं जिस तरह चाइल्ड जो होता है अपने पेरेंट के जीन से उनकी भी कुछ ना कुछ तरीके से सिमिलैरिटीज या फिर उनकी कुछ हैबिट्स को अडाप्ट करता है उसी तरीके से डिराइव क्लास जो है एक्सटर्न की का यूज़ करके बेस क्लास के प्रॉपर्टीज और फीचर्स को इनहेरिट कर रही है सो so, आई होप आपको इनहेरिटेज का थ्योरिटिकली स्ट्रक्चर समझ में आया है चलिए आप इसे प्रैक्टिकली समझते हैं सो so, जैसा कि देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट कर ली है इनहेरिटेंस का अपना आपको इनहेरिटेंस सही प्रैक्टिकली समझाने के लिए तो ये हमारे पास एक क्लास तो है ही है एंड ये हमारी चलिए एक तरीके से हो गई बेस क्लास अब इसकी एक पैरेंट क्लास भी क्रिएट करते हैं सो so, मैंने यहाँ एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर ली एंड अब मैं इस क्लास को एक्सटेंड कराऊंगी हमारी इस क्लास हमारी इस डिराइव क्लास में सो so, जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे डेटा क्लास को एक्सटेंड करा लिया है अपनी इस इनहेरिटेंस डेमो वाली क्लास में so, मैं अपने इस अमाउंट वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगी अपनी इनहेरिटेंस डेमो क्लास में सो गाइस जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे अपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने अपने डेटा क्लास के वेरिएबल को एक्सेस किया कैसे एक्सेस कर पाई मैं इसके एक्सटेंड के वर्ड का यूज करके इसकी हेल्प से वेरिएबल को एक्सेस कर पाई एंड मैंने इसी इनहेरिटेंस का वेरिएबल को एक्सेस कर पाई सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस का इस्तेमाल भी हम लोग इसीलिए करते हैं कि यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया एंड इसकी जगह मैंने कुछ अगर मैथड भी क्रिएट करती है उस मैथड को भी मैं एक्सेस कर पाती सो आई होप आपको इनहेरिटेंस सही से समझ में आ गया हो कोई भी डाउट्स हो सो प्लीज़ so आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा कमेंट करेगा शेयर करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड गाइस पहले भी हमारे अभी ट्वेंटी फाइव अराउंड लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं सो प्लीज़ उन्हें भी रेफर करिएगा एंड uh, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है कोई भी डाउट्स हो जो आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे तो प्लीज़ वहां पे भी हमें डीएम कर सकते हैं एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू